वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 से संबंधित इन्फॉर्मेशन क्या है और इस पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा। 2023 की बात किया जाए तो उस समय 111वां स्थान हासिल था, मतलब कि इस साल थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। 2022 में 107वां स्थान था। तो 2022, 2023 और 2024 की स्थिति आपके सामने है। 2022 में 107वां स्थान, 2023 में 111वां स्थान और 2024 में 127 देशों में 105वां स्थान पर भारत रहा। GHI स्कोर की अगर बात किया जाए, मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोर आया है, 27.3। तो 27.3 यह भारत के लिए गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है, मतलब भारत में भुखमरी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। जैसा कि आप यहाँ पे रैंकिंग में भी देख सकते हैं कि 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख देशों की रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे प्रमुख देशों से हमारा मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं उनके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो नेपाल की स्थिति जो है भारत से काफी अच्छी है, जहाँ पे भारत की स्थिति 2024 में 105वीं रैंक है वहीं पे नेपाल 68वीं रैंक के साथ है। श्रीलंका की स्थिति नेपाल से भी बेहतर है, 56वीं रैंक है। बांग्लादेश 84वीं रैंक पे है। पाकिस्तान की स्थिति भुखमरी के टर्म में भारत से बेकार है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान की रैंक 109वीं है 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर हम फर्स्ट रैंकर कंट्री की बात करें, ठीक, जहाँ पे भूखमरी की स्थिति बहुत अच्छी है तो वह है चीन, यूएई, कुवैत। तो 22 देशों के साथ चीन, यूएई और कुवैत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। काफ़ी क्या मतलब कि 22 देशों के साथ इनकी रैंक पहली है, तो यहाँ पे भूखमरी की स्थिति बहुत कम है, तो ये देश जो हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अब हम बात करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डायमेंशंस कितने होते हैं। तो तीन डायमेंशंस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है उसके दो पार्ट हैं, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। GHI स्कोर जितना कम, भूख की स्थिति उतनी बेहतर होगी, ये ध्यान रखिएगा। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जितना कम होगा वहां उस देश की भूख की स्थिति उतनी बेहतर होगी। क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब कि यह जो इंडेक्स है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है और एक्चुअली में ये काम करता क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसे हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन एनजीओ तैयार करता है, ठीक है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प। यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों में लोगों की भूख को मापने और ट्रैक करने का काम करती है। तो यह रिपोर्ट से क्या पता चलता है, देश में लोगों की भूख की स्थिति। अब हम बात करेंगे इस पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में। जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता है, उस संस्था का नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी की जाती है। जो यूरोपीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत की रैंक क्या है, 107, 111, 105, 125। सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर है
2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 127 देशों में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर किस पर आधारित होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य, भोजन की उपलब्धता और स्वच्छता, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टैलिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, रोजगार और आय। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टैलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। GHI स्कोर 3 डायमेंशंस के आधार पर निर्धारित होता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टैलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 कैटेगरी में। तो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में सबसे बेहतर स्थिति में कौन से देश हैं? पहला ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन, UAE, कुवैत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चीन, UAE, कुवैत सहित 22 देशों को पहले स्थान पर रखा गया है। भारत का GHI स्कोर 2024 में क्या है? 27.3, 30.8, 35.5, 24.1। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो 27.3 स्कोर के साथ भारत जो है वो गंभीर स्थिति में है। यहाँ भूखमरी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है और 127 देशों में 105वीं रैंक हासिल किया है भारत ने 2024 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत की रैंक क्या थी? ठीक, आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी, 111, 105, 107, 109। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, 111वीं रैंक पे था 2023 में। तो 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारत 111वें स्थान पर था। नेपाल की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में क्या थी? 84, 109, 68, 56। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेपाल को 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 68वां स्थान मिला है, जो भारत से बेहतर है। भारत के बाद पाकिस्तान की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग क्या है? 105, 107, 109, 111। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, 109 रैंक पे पाकिस्तान जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो 2024 में पाकिस्तान की ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रैंकिंग है 109वें है, जो भारत से थोड़ा पीछे है। भारत जो है 105वें रैंक के साथ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर में निम्न में से कौन सी डायमेंशन शामिल नहीं है? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टैलिटी, रोजगार दर। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोजगार दर। तो रोजगार दर को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है नहीं शामिल किया गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टैलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन पर आधारित है, रोजगार दर शामिल नहीं है। भारत की तुलना में श्रीलंका की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में क्या है? 56, 68, 84, 109। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, 56। तो 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में श्रीलंका की रैंकिंग 56 है, जो भारत से काफी बेहतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिन देशों का स्कोर कम होता है उनका क्या अर्थ होता है? मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर किसी देश को कम स्कोर प्राप्त हो रहा है तो उसका मतलब क्या निकलता है? पहला ऑप्शन है वहाँ भुखमरी की स्थिति गंभीर होती है, वहाँ भुखमरी की स्थिति अच्छी होती है, वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ के लोग अधिक भूखे होते हैं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो वहाँ भुखमरी की स्थिति अच्छी होती है। तो GHI में कम स्कोर का मतलब है देश में भुखमरी की स्थिति कम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है? यहाँ पे आपको जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बताना है। तो भुखमरी के हल को ढूंढने के लिए, भुखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए, भुखमरी पर नीतियां लागू करने के लिए, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, भुखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल तैयार किया जाता है। तो GHI का उद्देश्य देशों में भुखमरी की स्थिति को मापना और ट्रैक करना है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना, वजन के हिसाब से लंबाई कम होना, उम्र के हिसाब से वजन कम होना,
लंबाई के हिसाब से वजन कम होना। तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, लंबाई के हिसाब से वजन कम होना। तो चाइल्ड वेस्टिंग वह स्थिति है जब बच्चे की लंबाई के हिसाब से उसका वजन कम होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कितने देशों को शामिल किया गया था या कितने देशों का आकलन किया गया है? तो 125, 127, 109, 100। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, 127। तो 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों का आकलन किया गया है। इसी के साथ यह हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।